अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू पॉलिसी मैटर्स विद नसीम ज़हरा। नाज़रीन, 31 जुलाई को जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ के जजेस के हवाले से उन्होंने जो भी किया वो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन थी, उसके नतीजे में हमने देखा कि फिर से एक शोर उठा कि जनरल मुशर्रफ को आर्टिकल 6 जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्लॉज है जो कहता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा जाए और एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाया जाए वो एक ट्रीज़न के मुकाबले में, वो एक यानी कि वो ट्रीज़न का चार्ज उस इंसान पर लगेगा। और इस वक्त हम बात करें जनरल परवेज़ मुशर्रफ की, फॉर्मर आर्मी चीफ और जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे, तो ये PMLN की तरफ से डिमांड आई है। अब ये जो डिमांड आई है उसके नतीजे में हमने देखा पीपल्स पार्टी की भी स्टेटमेंट्स वगैरह आई, तो ये एक और फिर से बाब खुला है आर्टिकल 6 के हवाले से। हम तो इसको कहेंगे कि ये एक पॉलिटिकल फुटबॉल है जो सियासी जमातों ने फिर से सामने मैदान में लेके आए हैं, और हमें लगता है कि ये कुछ इस पर होने नहीं वाला। बहरहाल PMLN की एक बड़ी सख्त पोजीशन है, पीपल्स पार्टी भी कहती है, हम इस पर मूव करेंगे। PMLQ कुछ बात कुछ इधर की करती कुछ उधर की, ये जो मेजर पार्टीज हैं। तो आज की प्रोग्राम में हम ये डिस्कस करते हैं और देखते हैं फॉर वंस एंड फॉर ऑल के आया आर्टिकल 6 इन्वोक होने वाला है। ये आर्टिकल 6 ऐसा है कि कभी भी कोई पार्लियामेंट उसको इन्वोक करेगा उसके तहत कोई केस वगैरह लगाया जाएगा फॉर्मर आर्मी चीफ के खिलाफ या नहीं, तो देखते हैं कि ये पार्टीज खुद क्या कहती हैं। नाज़रीन, ये सब डिस्कस करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सरदार नबील अहमद गबोल साहब, ये स्टेट मिनिस्टर हैं फॉर पोर्ट एंड शिपिंग, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। इनके साथ तशरीफ रखते हैं सरदार अयाज सादिक साहब, ये MNA हैं PMLN के, और नाज़रीन शेख वकास अक्रम साहब हैं PMLQ के MNA, वो भी अभी तशरीफ लाते होंगे। नाज़रीन, हम प्रोग्राम को शुरू करते हैं, हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं डॉक्टर खालिद रांझा साहब, ये फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर फॉर लॉ हैं। इनसे हम बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि जो आर्टिकल 6 है उसको लागू करने के लिए लीगली क्या चीज दरकार है। अस्सलाम वालेकुम खालिद रांझा साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपको नसीब? बड़ी मेहरबानी जी फॉर ज्वाइनिंग अस। खालिद रांझा साहब, टेक्निकल बात, लीगल बात बताइए, आर्टिकल 6 को इन्वोक करने के लिए क्या स्टेप्स की जरूरत है? मैं समझूं उसके लिए एक तो आर्टिकल 6 बाय इटसेल्फ एक कंप्लीट कोड है, इसके कोई रेफरेंस नहीं पाकिस्तान क्रिमिनल कोड के साथ। ये एक मुकम्मल तौर पे एक ऑफेंस डिफाइन की गई है और इसकी अमलदारी के लिए पार्लियामान ने एक्ट बनाया है, एक्ट ऑफ 1973, जिसमें जो सजा है उसको तयन किया गया है, जो उम्र कैद या मौत हो सकती है। उसमें जो कैच ये है कि ये जो इस्तगास, पहली बात यह है कि आप इस अमल को कानून में ला सकते हैं बजरिया एक इस्तगासा के, इसका पर्चा नहीं हो सकता, इट इज नॉन कॉग्निजेबल। इसको माजरत के साथ किस चीज के जरिए से ला सकते हैं आप इसको, आपने कहा इस्तगासा कंप्लेंट, ठीक है, मीनिंग देयर बाय इट इज नॉन कॉग्निजेबल, इसका इस्तगासा करना पड़ेगा। और मुद्दा इसमें सिर्फ और सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट हो सकती है, और फेडरल गवर्नमेंट से मुराद दफा जो आइन की 90 से लेके 97 तक है वो ये है कि पावर्स वेस्ट विद द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो अगर फेडरल गवर्नमेंट ने कोई काम करना हो तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज द मेन पिवट ऑफ एनी एक्शन। तो आप ये फरमा रहे हैं कि अलावा सदर पाकिस्तान के कोई भी इस पर मूव नहीं कर सकता कोर्ट में आर्टिकल 6? मेरी ये दानिश में, ये मेरी राय है, मुमकिन है कोई दोस्त में से इतफाक न करते हो, लेकिन मैं दोनों चीजों पे बड़े इतमाद से कह रहा हूँ कि एक तो ये इस्तगासा होगा, ये रोज हुकूमत कहे तो पर्चा दिया जाए, और दूसरी बात ये है कि कोई भी अदालत किसी को मजबूर नहीं कर सकती कि आप इस्तगासा दायर करो। यकीन है ये बहस चल रही है, लेकिन मैं समझता हूँ इस्तगासा करना एक फर्द का हक है, और अगर हाँ अगर FIR होती तो फिर कोई आदमी भी जाके कह सकता जी FIR दर्ज की जाए। तो ये मैं समझता हूँ इसमें दो पहलू हैं जिसको, और तीसरी बात ये कि हाँ जी पार्लियामान रेजोल्यूशन पास करे, मैं समझता हूँ ये एक सियासी क्लीशे था
और इसको सियासतदान ने खुद वापस ले लिया, मियां साहब ने कह दिया, इतराजा से ने कह दिया कि रेजोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट अ साइन क्वा नॉन फॉर फाइलिंग द कंप्लेंट। अच्छा, तो ये बात आपने बहुत क्लियर कर दी कि प्रेसिडेंट करेंगे और इसमें कोई ऑपोजिशन या कोई और पॉलिटिकल पार्टी मूव नहीं कर सकती। बहुत बहुत शुक्रिया रांझा साहब हमारे से बात करने का। वेलकम टू द प्रोग्राम। नाज़रीन, शेख वकास साहब ने हमें ज्वाइन किया है गुफ्तगू के दौरान। तो बात फिर ठहरी नबील गवोल साहब पीपल्स पार्टी पर, और जो आपके इस वक्त प्रेसिडेंट हैं, आपके कल एक मिनिस्टर ने, बाबर अवान साहब ने पार्लियामेंट में बहुत जरा जोरदार अल्फाज में बात ये कही कि लोग जो हैं वो दे आर कॉलिंग फॉर द ट्रायल ऑफ द फॉर्मर प्रेजिडेंट, के लोग चाह रहे हैं कि जनरल परवेज मुशर्रफ की ट्रायल की जाए, और ये कि उस ट्रायल से अटेंशन हटाने की लिए हो ये राय कि लोग हमारी करप्शन की बात कर रहे हैं। तो अगर जो जो उन्होंने ये नाराजगी का इजहार किया है और जो उन्होंने कहा है होना चाहिए, वो तो आपके अपने बस में है ना? देखें, बिल्कुल आर्टिकल 6 जो कहता है कि किसी भी शख्स ने अगर कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा या कानून को तोड़ा तो वो ट्रीज़न का जो है उसके ऊपर केस दाखिल हो सकता है। अब इसमें यह है कि जब ये सेशन कॉल हुई, जो अभी सेशन चल रही है, इसमें लीडर ऑफ द ऑपोजिशन खड़े होकर और उन्होंने ये तकरीर की कि जी गवर्नमेंट को चाहिए कि आर्टिकल 6 के तहत मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जो है मुकदमा चलाए, और अगर गवर्नमेंट नहीं चलाती है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ऐलान करती है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि हम जो है ये तहरीक लेकर आएंगे। जिसके जवाब में प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी बिस्मिल्लाह, आप तहरीक लेकर आए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके तहरीक को सपोर्ट करती है। चलिए, अब देखें, अब आप देखें, जवाब को छोड़ दें, अब आप देखें नसीम, के आप जब खुद लीडर ऑफ द अपोजिशन ने ये बात कही तो वो बैक ट्रैक क्यों हुए? उनके पर लीडर ने नहीं, उसकी बात में पीएमएलएन से पूछूंगी, वो जो सवाल है उसे है। आप अब मुझे हमारी आपकी क्या पोजीशन? हमारी पोजीशन ये है कि जब पार्लियामेंट में एक कमिटमेंट हुई है, जब पार्लियामेंट में एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और एक लीडर ऑफ द हाउस के दरमियान जो बातचीत हुई है और जो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कमिटमेंट हुई है, वो यही है कि ये तहरीक पेश करें और हम इनको जो है सपोर्ट करेंगे। हम बिल्कुल समझते हैं कि एक आमिर जो है उसके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए ताकि आने वाले दिनों में, फ्यूचर में, कोई आमिर इस तरह की जो है कभी सोच दिमाग में ना लाए। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं इस पॉइंट पर। ये नबील गवोल साहब कह रहे हैं कि हमने तय ये किया है कि ये ऑपोजिशन लेके आएगी पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन, लेकिन अभी आपने फॉर्मर लॉ मिनिस्टर खालिद रांझा साहब की बात सुनी, उन्होंने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, और उनके कहने के मुताबिक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ही आर्टिकल 6 को इन्वोक कर सकते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे पीएमएलएन से, उनकी इस पे क्या पोजीशन है।